हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में पावर बीआई की, और पावर बीआई पे हम बात करेंगे डेटा कैलकुलेशंस की। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हाउ कैन इंसर्ट द डेटा, डैशबोर्ड्स कैसे बनाई जाती है, विजुलाइजेशंस वगैरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सुरेश जी, मतलब एक डैशबोर्ड हमने बताया था कि आखिर आप डैशबोर्ड कितनी जल्दी पावर बीआई पर कैसे और किस तरह की बना सकती है, हमने लास्ट इस टॉपिक्स में डिस्कस किया था। अब आगे जो करने से पहले हमें जानना होगा कैलकुलेशन इन द डेटा। क्यों? क्योंकि जब तक डेटा को सही नहीं करेंगे हम रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। अगर हम एक्सेल से कंपेयर करें तो एक्सेल जब हम डेटा लेके आता है, जैसे थोड़ी जो डेटा मिला उसी पर हमने रिपोर्ट बना दिया, नहीं, हमें उस डेटा को रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफाई करना पड़ता है। कुछ ऐसे कॉलम्स को ऐड करने पड़ते हैं, कुछ कॉलम्स को डिलीट करने पड़ते हैं, राइट सर? जी। तो उसी तरह से पावर बीआई के अंदर ही हम जब डेटा लेके आते हैं तो हमें भी नीड टू कैलकुलेशंस। तो इसी कैलकुलेशंस की बात आज हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं, और कैलकुलेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम एक्सेल भी पढ़ाते हैं तो हमारा पहला फॉर्मूला का टॉपिक होता है कैलकुलेशन। तो पावर भी हमने सोचा कि हमारा पहला जो होगा वो कैलकुलेशन का ही टॉपिक होना चाहिए। तो एक डेटा को यहां पे हम इंपोर्ट करते हैं, तो कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम किस कोई भी फॉर्मूला यूज किए बगैर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर का इस्तेमाल कर सके, राइट सर? तो अगर हम यहां पर आते हैं, ये हमारा डेटा है, इसको हम यहां से लोड कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल के सिंबल ही पांच ही सिंबल होते हैं ना सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबट्रैक्ट, और इसी पे बोर्ड मास सर, BODMAS। नहीं, बोर्ड मास तो मेथड हो गया, लेकिन बोर्ड मास में तो होता यही है ना। जी होता थे क्या? चलिए, हमारे पास डेटा आ गया, तो हम डेटा को देखते हैं। अब डेटा आपके सामने है और आप ये डेटा को एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली ये सेल्स का डेटा है, राइट? तो ये सेल्स की आईडी है, डेट को सेल्स हुआ, किस मोड में हुआ, किस कस्टमर आईडी पे, कस्टमर का नेम क्या था, किस स्टेट और सिटी में था, प्रोडक्ट कौन सा था, प्रोडक्ट का नेम क्या था, उसकी कितनी क्वांटिटी थी, किस एमआरपी पे, क्या टोटल प्राइस हुआ, क्या टैक्स हुआ, ग्रांट क्या क्या हुआ, और इसको करने के लिए कितना हमें कॉल्स करना पड़ा, राइट? अब इसमें मान लीजिए कि हमें हमारे टोटल का कमीशन भी ऐड करना है, समझे? मतलब कि इस जो कॉल्स हुए, मतलब कि जिसने इसको सेल किया है, जैसे 18,615 जिसने सेल किया है, वो कहता है कि सर हम हर सेल पे 2% का कमीशन लेंगे, हमने आपका सेल कराया है, आई वांट टू 2% कमीशन, राइट? तो हमें इसमें कमीशन ऐड करके फिर ग्रांड टोटल निकालना है कि कितना ग्रांड टोटल होगा। हम जाते हैं अब यहाँ पे, हम क्या जाते हैं यहाँ पे कॉलम टूल्स में है, यहीं पे आपको देखिए न्यू कॉलम्स मिलेगा, इसी न्यू कॉलम्स पे आप क्लिक कीजिए, एक नया कॉलम सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। आप सोचेंगे कि किसी के बगल में रखे तो नहीं, ये हमेशा लास्ट में ही होता है, ठीक है सर? इसको हम सब कभी मूव कर सकते हैं क्या? क्या जब आप जब इंसर्ट करते हैं तो नया कॉलम लास्ट में आता है, मूव कर सकते हैं। अब कॉलम नेम में हम यहाँ पे जा देते हैं कमीशंस, वी हैव कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन में क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल का 2%। तो यहाँ पे आपको एक्सेल की तरह सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, बट यहाँ लिखिए टोटल, और यहाँ दिख जाएगा टोटल। तो यहाँ टोटल डेटा, टोटल। अब डेटा क्यों लगा हुआ, क्योंकि डेटा हमारा
सीट का नेम है राइट, जिसे डेटा इंपोर्ट हुआ है। हम पावर बीआई में बहुत सारे इसको ले सकते हैं, बहुत सारे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो मतलब कि दिक्कत ना हो इसलिए आप नेविगेट अच्छा से कर पाए, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है सीट नेम एंड टोटल। यहाँ पे टैब मारते ही सिलेक्ट हो जाएगा, ओके देन मल्टीप्लाई 2% ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जो परसेंट का सिंबल है पावर या इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर 0.02। हाँ तो यहाँ पे 0.02% करेंगे, या फिर अगर परसेंटेज में कुछ पॉइंट्स वगैरह लंबा प्रोसीजर है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डिवाइड इट बाय 100, तो ब्रैकेट में लीजिएगा ठीक है, ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाय 100। क्लियर है जी? जी जी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक कॉलम है कॉम हो जाएगा, जो भी नाम दीजिए हो जाएगा और डेटा आपके सामने आएगा, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि इसको आप मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे पावर बीआई में लाके मूव कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। अब इसमें मुझे ग्रांड टोटल और कमीशन, इस पे ग्रांड टोटल और कमीशन को ऐड करना है, तो आगे लेते हैं और यहाँ पे फाइनल टोटल का नाम देते हैं फाइनल, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं कि टोटल प्लस कमीशन जी टोटल, तो यहां लिख रहा हूं जी टोटल प्लस सीओएम कमीशन राइट सर। टैब प्रेस कीजिएगा Okay? उसके बाद मैं यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, थोड़ा सा टाइम लगा और यहां पे फाइनल टोटल आ गया। तो आप एक फील्ड से कैलकुलेट कर सकते हो और एक नया फील्ड बना सकते हो, उससे भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो राइट, और आप तो देख सकते हो कि कैलकुलेशन कहां है, तो क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको उसका फॉर्मूला भी दिखेगा। अगला हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास टोटल कॉल्स है, अब 112 कॉल्स करने के बाद 22,328 का रेवेन्यू, 338 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो मुझे यहाँ पे पर कॉल्स निकालना है, एक कॉल्स के लिए एक कॉल्स पे कितना रेवेन्यू निकला, तो क्या करेंगे 22,338 को 112 से डिवाइड करेंगे ना सर। यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं, आप अंडरस्कोर लगाते हैं और यहां पे पर कॉल्स ओके, और यहां पे हम देते हैं कि फाइनल टोटल डिवाइड बाय टोटल कॉल्स कॉल्स, टैब सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस। आ गया सर, जो भी करना सर हेडर में ही मतलब फॉर्मूला रहेगा, बाकी में ऑटोमेटिक आ जाता है। जी जी। अब यहाँ जो आया, अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इतने सारे डेसिमल्स में आ रहे हैं, मुझे इसको राउंड, अब राउंड करने के लिए बोलेंगे सर राउंड का फॉर्म, एक तो राउंड होगा यहाँ से कि आप यहाँ से इसकी फॉर्मेट चेंज कर दीजिए ना, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है वो आउट कर दीजिए यहाँ से, हो गया राउंड सर। बट प्रॉब्लम क्या है, जब कैलकुलेशन होगी तो उस केस में तो रहेगा ना सर, या मुझे दो परसेंटेज चाहिए और मैं फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि फॉर्मेट में सिर्फ दिखावा चेंज करता है, ओरिजिनल तो वही रहता है जो कैलकुलेट हुआ है, बात समझ रहे हैं सर जी। तो क्या करें? तो यहाँ पे अब इसी में हम फॉर्मूला एडिट भी कर सकते हैं, तो राउंड का फॉर्मूला जो हम एक्सेल में लगाते हैं वो यहाँ भी लगता है, इसको सिलेक्ट किया और हमने कॉमा 0 कर दिया या फिर कॉमा 2 कर दिया, डेसिमल्स रिमूव करके या डेसिमल्स राउंड करके ही आपको यहाँ पे डेटा देगा।
तो एक तो है कि आप डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, एक होता है कि इसी के अंदर आप अपना और भी फॉर्मूले ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक एक काम और करते हैं, क्या हम अपने हिसाब से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की जा सकती है, की जा सकती है कैसे? सामने एंटर डेटा दिख रहा है, तो एंटर डेटा पे आप एक डेटा बना रहे हैं, छोटा डेटा बना रहे हैं, इसमें हमारा प्रिंसिपल है, रेट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, शोर आ रहा है सर। प्रिंसिपल मान लीजिए 5000 है, 50000 है, सॉरी, रेट 0.06% और टाइम मान लीजिए 9 साल का है। डेटा हमने एक बनाया है लोन के नाम से, इसको यहां से मूव करके अब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये डेटा दिखेगा। तो सबसे पहले मुझे यहां पे इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं, तो न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा और यहां पे एस अंडरस्कोर आई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि पी, अब सिर्फ पी नहीं लिख देंगे, हमको पी को इस तरह से लेना पड़ेगा, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाय टी, एंटर मारिए, ये आपको आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, लेकिन मुझे कंपाउंड बेसिकली बेसिकली मैं इसमें ये चीज देखा हूँ, जब भी ये फॉर्मूला काम करती है तो पूरे कॉलम पे ही काम करती है, राइट? जी हाँ, जी हाँ, पावर बी आई हो, सैप हो, ऑरेकल हो, एसक्यूएल हो, एक्सेस हो, ये सारे के सारे पूरे के पूरे पे काम करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल का यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है। एक्सेल की बात करें A1 C1 ऐसे एक एड्रेस होता है, यहाँ पे एक सेल एड्रेस नहीं है, एक कॉलम का ही एड्रेस है। So, यहां पे जो भी कैलकुलेशन होगी पूरी की पूरी कॉलम पे कैलकुलेशन होगी, एक पर्टिकुलर सेल या सीट पे कैलकुलेशन नहीं होगी। ओके, अब मान लीजिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, ठीक है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि पी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे ब्रैकेट में 1 + R/N पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। अब इसको मुझे यहां पे डालना है, तो हम यहां एक न्यू कॉलम को लेते हैं और यहां पे अमाउंट लिख देते हैं, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें है पी मल्टीप्लाई बाई, तो पी को सबसे पहले लेते हैं पी, देन मल्टीप्लाई बाई, फिर होता है 1 + तो ब्रैकेट में 1 + R/N, एन 12 है, मतलब कि ईयरली है इसलिए 12 है, तो आर हम यहां पर आर डिवाइड बाई R/12, और हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया तो ये हमारा डिवाइडेशन हो गया, और इसको क्लोज किया तो 1 + ए कैलकुलेशन हो गया, देन मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय एन, सॉरी हाँ, 12, तो ए मल्टीप्लाई नहीं है, पावर है, पावर है ना, तो पावर का सिंबल कुछ ए होता है, ठीक है, पावर स्क्वायर से होता है, पावर ही होता है ना। देखते हैं एंटर प्रेस करके कि कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 का 9%, 6% से 9 साल का
85,000 सही बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि, तो आप क्या करेंगे कि इसको लेते हैं और फिर इसको रख देते हैं अंदर, ठीक है, तो भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। इस तरह की लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ब्रैकेट कहाँ है, तो वन बाय वन आप ब्रैकेट को जैसे यहां क्लोज किया वैसे ब्रैकेट क्लोज करते जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसके लिए एक नोट पैड में वो लिख ले, आफ्टर देन उसको करें। अब इसको भी राउंड में करना है तो मैं यहाँ राउंड का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां दूंगा 0, 2, 3 decimal, आप देखेंगे राउंड का फॉर्मूला। तो ये थी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर में, हाउ कैन कैलकुलेट, सॉरी बीवीए माफ कर, सॉरी पावर बीआई के अंदर में हाउ कैन कैलकुलेट, राइट सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको देख लेने से समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतने सारे ब्रैकेट का झमेला है, क्योंकि ये तो छोटी कैलकुलेशन है, आगे चल के बड़ी भी तो हो सकती है क्या। जी जी जी। आप लोग क्या करें, मुझे इसके 10 एग्जाम्पल दें, आप मैथमेटिक का बुक उठाएं या गूगल पे सर्च करें एंड 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मुझे दे, जैसे मैंने आप इंटरेस्ट निकाल के दिखाया आपको मैंने, फिर बाकी डिवाइड करके दिखाया आपको, तो मुझे ऐसे 10 कैलकुलेशन करके दिखाएं और मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करके, इसका मेल करने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटो भी व्हाट्सएप कर देंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो जब इसको आप समझ लेंगे तो हम आपकी फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। अब ये जरूरत क्यों है, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला हम लगाएंगे इसकी फॉर्मूला लगाएंगे तो कई सारे उसमें डालेंगे, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा किसके अंदर में डाला जाएगा, ओके ओके सर। तो फटाफट इसको कीजिए और मुझे भेजिए, कोई डाउट वगैरह हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। अमाउंट पे सर निकालेंगे, देखिए कुछ पे भी निकाले, 10 एग्जांपल दीजिए जी। ओके।